सो वेलकम बैक टू अनदर काउंटडाउन वीडियो। एंड भाई आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज जिनका बस अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा बना हुआ है। इसके अंदर भाई मैक्सिमम शोज तो आप लोगों को नेटफ्लिक्स के देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज को भी मैंने इंक्लूड करा है। सारे शोज आप लोग को हिंदी में देखने को मिलते हैं एंड सभी को मैंने IMDb के अकॉर्डिंग भी रैंक कर दिया है। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर जिस शो को मैंने रखा है उसका नाम है द कॉन्टिनेंटल। ये जॉन विक के यूनिवर्स से आता है एंड ये एक्शन थ्रिलर कैटेगरी का शो है। ये एक मिनी सीरीज है जिसके अंदर आप लोग को टोटल 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे एंड हर एक एपिसोड को आप लोग भाई मिनी मूवी की तरह देख सकते हो क्योंकि सभी के लेंथ आप लोग को 1 घंटे के ऊपर की देखने को मिलती है। ये शो हिंदी लैंग्वेज में डब करा गया एंड इसकी डबिंग मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी है। अगर आप लोग एक एक्शन लवर हो देन आई थिंक इस शो को आप लोग को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। खासतौर से वो ऑडियंस तो डेफिनेटली इस शो को देखे जिन लोगों ने जॉन विक की मूवीज को देख रखा है। इस सीरीज की भाई रेटिंग आप लोग को 7.4 की देखने को मिलती है। ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो आप लोग इसको Amazon Prime के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर जिस शो को मैंने रखा है उसका नाम है बिहाइंड योर टच। ये फैंटेसी कैटेगरी का सीरीज है जिसके अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की की देखने को मिलती है जो वैसे तो जानवरों की डॉक्टर होती है, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ तब बदल जाता है जब उसको कुछ ऐसी अजीबोगरीब सुपर पावर मिल जाती है जिससे वो किसी भी इंसान या फिर जानवर का बंग छूती है तो उसको उसके पास के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब ये पावर्स आने के साथ ही उसकी लाइफ में मुसीबतें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आती है जब उसको एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना होता है। तो अब वो उस चीज को कैसे सॉल्व करेगी एंड इसी के अंदर उसके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन आएंगे इस शो के अंदर आप लोग को स्टोरी इन्हीं सब के इर्द गिर्द फोकस करती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो ये जो शो है वो भाई सारी ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन यस अगर आप लोग को एक फैमिली फ्रेंडली ड्रामा देखना है, इसके अंदर आप लोग को कॉमेडी इमोशन सब कुछ देखने को मिल जाए देन ये शो आप लोग के लिए परफेक्ट हो सकता है। इस सीरीज की रेटिंग आप लोग को IMDb के ऊपर 7.4 की देखने को मिलती है। टोटल एपिसोड आप लोग को 16 देखने को मिलते हैं। एक ही सीजन आया है इसका, इसको आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। हिंदी डब इस सीरीज का काफी अच्छी तरीके से करा गया है। सो बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर जिस शो को मैंने रखा है उसका नाम है ल्यूपिन एंड ये एक हाईएस्ट ड्रामा कैटेगरी का शो है। इस शो के अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो एक जेंटलमैन थीफ की देखने को मिलती है। रिसेंटली इस शो का बज इसलिए बना क्योंकि इसका पार्ट 3 रिलीज करा गया था एंड पार्ट 3 के अंदर भी आप लोग को जो स्टोरी है वो काफी अच्छी तरीके से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली है। इसके पिछले जो 2 सीजन थे वो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे एंड दैट्स व्हाई अगर बात करें इसके IMDb रेटिंग की तो वो आप लोग को 7.5 की देखने को मिलती है। अच्छी बात इस शो की मेरे को ये लगती है कि भाई ये कोई एकदम स्लो बर्न सीरीज नहीं है, आप लोग को एकदम फास्ट पेस पर स्टोरी आगे बढ़ती हुई देखने को मिलती है जिससे कि आप लोग इसको देखते टाइम बोर तो नहीं होने वाले हो। अगर मैं बात करूं इसके हिंदी डबिंग की तो यस इसकी हिंदी डबिंग भी आप लोग को काफी ज्यादा सॉलिड प्रेजेंट करी गई है। सो यस अगर आप लोग को हाईस्ट ड्रामा देखना पसंद है देन ये शो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप लोग उधर इसको चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर जो शो आता है उसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड एंड इस शो को इस लिस्ट के अंदर डालने का रीजन यही था कि अभी भी ये शो मोस्ट सर्च की लिस्ट में आता है एंड अब मेरी ऑडियंस में आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने इस शो को देख लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी इस शो को नहीं देखा है आई थिंक आप लोग को डेफिनेटली इस शो को चेकआउट करना चाहिए। जॉम्बी थ्रिलर कैटेगरी का शो है जिसके अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो जॉम्बी आउटब्रेक की देखने को मिलती है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं कुछ टीनेजर्स जो होते हैं वो जॉम्बी आउटब्रेक का शिकार हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट कैसे अपनी लाइफ को बचाते हैं, ये शो आप लोग को उन्हीं टीनेजर्स के सर्वाइवल की स्टोरी प्रेजेंट करने वाला है। अभी सीरीज का आप लोग को एक ही सीजन देखने को मिलता है जिसके अंदर आप लोग को टोटल 12 एपिसोड प्रेजेंट करे गए हैं। इसकी जो रेटिंग है वो आप लोग को 7.5 की देखने को मिल जाती है एंड इसका सीजन 2 भी ऑन द वे है। इसका जो हिंदी डब है वो आप लोग को बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये शो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप लोग उधर इसको चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर जो शो मैंने रखा है उसका नाम है कैसलवेनिया नॉकटर्न। ये एक एनिमेशन कैटेगरी की एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो कि अभी रिसेंट के टाइम में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई थी। अब देखो मैं वैसे तो एनिमेशन बहुत कम ही देखता हूं, लेकिन मैंने जब इस शो को देखा तो मेरे को पर्सनली ये शो काफी ज्यादा सॉलिड लगा था। खासतौर से जिस तरीके से इसके अंदर आप लोग को कैरेक्टर्स प्रेजेंट करे गए हैं, उनका जो भी आप लोग को भाई बैकग्राउंड प्रेजेंट करा गया है या फिर जिस तरीके से आप लोग को उनके एनिमेशन देखने को मिलते हैं वो मेरे को पर्टिकुलरली काफी ज्यादा सही लगे थे एंड आई थिंक जो भी एनिमेशन लवर है उन लोग को डेफिनेटली एक बार को ये शो चेकआउट करना चाहिए। इससे पहले कैसलवेनिया करके और एनिमेशन सीरीज आई थी, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखने के बाद भी इसको चेकआउट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी शो को देखोगे तो आप लोग को ऐसा कोई लाइक इफेक्ट नहीं होने वाला है। अच्छी बात यह है कि ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिलता है एंड इसकी हिंदी डबिंग आप लोग को अच्छी प्रेजेंट करी गई है एंड नेटफ्लिक्स की अच्छी बात यह रहती है कि वो लोग एनिमेशन हो या फिर लाइक लाइव एक्शन सीरीज सबको अच्छे से ही डब कराते हैं। IMDb रेटिंग आप लोग को इस सीरीज की 7.7 की देखने को मिलती है। इस शो के अंदर आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसको आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर जिस शो को मैंने रखा है उसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। रिसेंटली ये शो भाई काफी ज्यादा चर्चे में रहा क्योंकि इसके तीसरे सीजन को फाइनली नेटफ्लिक्स ने रिन्यू कर दिया है। अभी आप लोग को करंटली इसके अंदर 2 सीजन देखने को मिलते हैं। सर्वाइवल थ्रिलर कैटेगरी का शो है जहां पे आप लोग को स्टोरी कुछ ऐसे लोगों की देखने को मिलेगी जो कि एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग दूसरी लाइक अजीब ही पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां पे उनके
सिवा कोई और नहीं होता है एंड उनको सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब गेम्स खेलने पड़ते हैं। अब अगर वो गेम्स को खेलते रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी। सो कैसे सीरीज के अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो भाई अपना सर्वाइवल करेंगे एंड वो क्या जिंदा बचकर वापस निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे, यही सब आप लोग को इस शो के अंदर देखने को मिलेगा। ऑडियंस को शो काफी ज्यादा पसंद आया था एंड इंडिया के अंदर भी ये शो हिट बन गया था जैसे इसके हिंदी डब वर्जन को रिलीज करा गया। रेटिंग आप लोग को इसकी 7.7 की देखने को मिलती है एंड हिंदी डबिंग अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी एंड हिंदी डब की वजह से इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा है। तो आप लोग इस शो को नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो अगर अभी तक इसको नहीं देखा है तो। सो बात करें नंबर 4 की तो उस शो का नाम है जेनवी जो कि द बॉयज के यूनिवर्स से आप लोग को देखने को मिलता है। सुपर हीरो साईफाई कैटेगरी का सीरीज है एंड इस शो के अंदर जो आप लोग को स्टोरी है वो कुछ ऐसे टीनेजर सुपर हीरोज की देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा मेहनत करके जो सुपर हीरोज का एक लौता कॉलेज है वहां पे अपनी पावर्स को इनहेंस करते हैं एंड यहां पे ऐसा होता है कि जिन लोग की भी पावर सबसे अच्छी होंगी उनको मौका मिलेगा कि वो लोग टीम 7 का हिस्सा बन सकते हैं एंड इसी के अंदर आप लोग को इनके कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे लोगों को जबरदस्ती सुपर हीरो बनाया जा रहा है जिसकी वजह से जो मेन क्योस है वो इस शो के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये शो द बॉयज के यूनिवर्स का है एंड दैट्स व्हाई इस शो के अंदर भी आप लोग को ब्रूटैलिटी एंड जो लाइक सेक्स सीन्स होते हैं वो भर भर के देखने को मिलते हैं, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे सेंसर नहीं करा गया है एंड दैट्स व्हाई अगर आप लोग को ए रेटेड शोज देखना पसंद है जहाँ पे आप लोग को सुपर हीरो वाला मजा भी देखने को मिले देन डेफिनेटली आप लोग इस शो को चेकआउट कर सकते हो। अभी करंटली इसका प्रीमियर आप लोग को अमेज़न प्राइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है एंड एज ऑफ नाउ इसकी जो रेटिंग है वो आप लोग को 8.1 की देखने को मिलती है। सो बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर जो शो आता है उसका नाम है लोकी। रिसेंटली ये शो चर्चे में आया क्योंकि इसका सीजन 2 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड अगर आप लोग को साईफाई एंड सुपर हीरो वाले शोज देखना पसंद है देन ये शो भी आप लोग की बकेट लिस्ट में सबसे पहले ही होना चाहिए। इस शो के अंदर आप लोग को मार्वल यूनिवर्स के सबसे तगड़े विलन एंड सबसे प्यारे विलन लोकी की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि टीवीए मतलब कि जहाँ पे टाइम को कंट्रोल करा जाता है उस जगह पे फंस जाता है एंड यहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि जो टाइम स्टोन है उनकी रियलिटी क्या है एंड अभी करंटली जो वेरिएंट्स हैं उनके साथ चल क्या रहा है एंड जिसके बाद से आप लोग को जो लाइक मेन स्टोरी है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सीजन 1 को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था दैट्स व्हाई अभी आप लोग को इसका सीजन 2 भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस शो को नहीं देखा है देन डेफिनेटली आप लोग को इस शो को चेकआउट करना चाहिए। इस सीरीज की रेटिंग आप लोग को 8.2 की देखने को मिलती है एंड डबिंग एकदम टॉप नॉच है, मतलब कि डिज्नी की जितनी भी सीरीज आई उनमें से सबसे अच्छी डबिंग मेरे को इस शो की लगी थी एंड VFX एंड CGI के मामले में भी ये शो आप लोग को एकदम टॉप पर देखने को मिलेगा। शो आप लोग को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल कराया गया है जहाँ पे आप लोग इस शो को चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर जो शो आता है उसका नाम है भाई मनी हाइस्ट। मेरे को लगा नहीं था कि ये शो अभी भी लाइक टॉप सर्चेस के अंदर आएगा लेकिन अभी भी ये आप लोग को टॉप 5 के अंदर देखने को मिल जाता है एंड रीजन ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली आप लोग को बर्लिन की सीरीज देखने को मिलेगी तो काफी सारी ऑडियंस है जो बर्लिन की वजह से इस शो को फिर से देख रही है। अब देखो अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट सीरीज को नहीं देखा है देन आई थिंक आप लोगों ने अभी तक का सबसे तगड़ा हाइस्ट ड्रामा को मिस करा है। इस शो के अंदर जो आप लोगों को स्टोरी है वो कुछ ऐसे बंच ऑफ पीपल की देखने को मिलेगी जिन्होंने भाई पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी एक बैंक को लूटने की एंड ये जो बैंक की चोरी थी एंड उसके बाद जो ये लोग करेंसी को लाइक छापते हैं वो सारा प्रोसेस आप लोगों को इस शो के अंदर काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है जहां पे सबकी जो डोर है वो एक कैरेक्टर प्रोफेसर से जुड़ी रहती है एंड प्रोफेसर इस शो का मेन पार्ट तो रहता ही है लेकिन उसी के साथ ही उसका जो भाई है बर्लिन वो भी इस शो का एक लाइक मेन पार्ट है जिसकी वजह से उसकी स्पिन ऑफ सीरीज अभी आप लोग को इस साल के एंड में देखने को मिलेगी। 5 सीजन का शो है एंड इसकी जो आप लोग को IMDb रेटिंग है वो 8.2 की देखने को मिलती है। इस शो को काफी बाद में इंडिया के अंदर हिंदी में रिलीज करा गया था लेकिन जैसे ये शो हिंदी में आया इसने भाई पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। सो बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पर जो शो आता है भाई वो अभी करंटली नंबर 2 पर चल रहा है मोस्ट सर्च की लिस्ट में एंड शो का नाम है ब्रेकिंग बैड एंड इसके लाइक सर्च में आने का कारण ये था कि पहली बात तो इसका बहुत टाइम से लोग हिंदी डब का वेट कर रहे थे एंड फाइनली इसका जो हिंदी डब है वो आप लोग को जी कैफे की तरफ से लाइक प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग ने अभी तक इस शो को नहीं देखा है देन आई थिंक आप लोगों ने बहुत ज्यादा तगड़ा क्राइम ड्रामा मिस करा हुआ है क्योंकि इस शो के अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो एक ऐसे केमिस्ट्री टीचर की देखने को मिलती है जिसको जब पता चलता है कि उसको कैंसर हो चुका है तब वो भाई ड्रग के बिजनेस में जाता है एंड उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आप यहाँ पे एक अच्छे इंसान से एक लाइक क्रिमिनल तक का सफर देखने वाले हो एंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका वो भी आप लोग को इधर प्रेजेंट करा गया है। टोटल सीरीज के अंदर आप लोग को 5 सीजन देखने को मिलेंगे एंड ये जो सीरीज है वो ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि इसकी जो आप लोग को IMDb रेटिंग है वो भाई 9.5 की देखने को मिलती है जो कि अभी भी किसी भी लाइक लाइव एक्शन सीरीज के लिए सबसे ज्यादा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई कितने सारे लोगों को ये शो पसंद आया होगा। तो अभी ये जो आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलता है तो आप लोग लिए अच्छी बात है, इसको आप लोग चेकआउट डेफिनेटली करना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। हिंदी वर्जन जी कैफे के ऊपर है एंड जो इंग्लिश वर्जन है वो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। सो भाई यही कुछ 10 शोज है जो अभी
रिसेंटली काफी ज्यादा लाइक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिसके बारे में लोग सर्च भी कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी और भी मल्टीपल शोज हैं, लेकिन उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को कवर करा हुआ था, तो अगर आप लोग को उनके बारे में जानना है देन आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसकी लिस्ट मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।